चलिए आज एक और अपने नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है प्रखर गुप्ता, जो कि लखनऊ यूपी से हैं, जिनका ऑल इंडिया 199 रैंक था और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो प्रखर, सबसे पहले तो इस अच्छी सी रैंक और कॉलेज के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, प्रखर के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रखर ने फाइनल ईयर के साथ ही निमसेट को क्रैक किया है, ये रैंक अचीव की है, यानी इन्होंने ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि इनका विजन क्लियर था कि बीसीए के बाद एमसीए ही करना है और इन्होंने 12th के बाद ही ये प्लान कर लिया था। देखिए, इसी को बोलते हैं कि समय रहते हुए अगर डिसीजन लिया जाए तो कई बार हम बहुत आगे निकल जाते हैं। तो प्रखर, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की सक्सेस जर्नी क्या है, क्या आपका, वो तो मुझे आपने बताया था कि 12th के बाद, पर आप अपना खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन कैसे की, ये सारी डिटेल में बताइए आप। सर, ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी तो नहीं है। मैंने आपके कई रिसेंटली वीडियोस देखे तो उनके मुकाबले तो कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने तो मजबूरी में भी अपने प्रिपरेशन करी है, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था सर, नॉर्मल से ही हुआ है सर। इंटर में ही मैंने सोच लिया था कि बीटेक में तो इतना स्कोप नहीं है, जेई मेन्स के थ्रू क्लियर होता तो होता, बट फिर सोचा बीसीए एक अच्छी लाइन है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से बीसीए कंप्लीट किया। देन एमसीए का तो पहले से आइडिया था, तो सेकेंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो इतना फोकस नहीं किया था। थर्ड ईयर से एकदम मैं प्रिपेयर हो गया था कि हाँ, अब तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो थोड़ा बहुत पढ़ चुका था, लेकिन एक्चुअल स्टडी मैंने जनवरी में ही स्टार्ट करी। तो बाकी सर आपका आशीर्वाद रहा, तो उसके थ्रू एक एनएमसेट क्लियर हो गया। और बाकी कोरोना की वजह से टाइम एक्सटेंड हुआ तो और उसका बेनिफिट मिला, तो उसमें हम जेई मेन की भी प्रिपरेशन मैंने कर ही ली थी लगभग, तो हो गया। देखो प्रखर, जैसे आपने एक बात बोली, मैंने इतने बच्चों के इंटरव्यू लिए और अभी लेता जा रहा हूँ, सबकी लाइफ की अलग अलग जर्नी होती है, सबकी लाइफ के अलग अलग वो होते हैं। जैसे आपने बोला, क्योंकि आपकी लाइफ काफी स्मूथ चलती रही, फिर 12th के बाद आपने जब बीसीए ज्वाइन किया तो मन में पहले से था एमसीए करना, सेकंड ईयर में आके आपने एमसीए के लिए प्रिपरेशन की, प्रॉपर नहीं हो रही थी, फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके करी। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, तो सबकी अपनी अपनी सक्सेस जर्नी होती है। अब ये बताइए आप मुझे कि आपने, क्योंकि कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई की, ये अलग बात है कोविड की वजह से टाइम मिल गया, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों को जो फ्रेशर होते हैं फाइनल ईयर वाले, उनका एक मन में हमेशा कि सर हम फाइनल ईयर के साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जबकि मैं मानता हूं कि आपने अगर एक बार मन में ठान लिया तो ये हो सकता है। तो आप कैसे मैनेज करते थे कॉलेज के साथ एमसीए की प्रिपरेशन? सर, ऐसा कुछ मैनेज नहीं करना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पढ़ा था तो इतना वहां पे प्रेशर नहीं, पढ़ाई नहीं होती थी, प्रेशर नहीं होता था, तो स्मूथली वो भी हो गया। लेकिन फिर मैंने सर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए कि क्या क्या बच्चे को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्टली पॉइंट जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो है बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। मतलब कि ये अगर किसी ने फॉलो किया तो इसी में सक्सेस की छुपी है, इसी में की है, बिल्कुल सही बात है। यस सर। एंड सेकेंड पॉइंट है आइटरेटिव स्टडी। ऐसा नहीं है कि हमने एक कोई टॉपिक मान लिया ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए, करेंट टॉपिक को भी साथ में लेके चलना चाहिए। अच्छा, साथ में लेके कैसे चला जाए तो उसके लिए रिविजन करना चाहिए, रिविजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रिविजन करने के लिए ऐसा नहीं कि आरडी शर्मा उठाई और वन बाय वन फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। रिविजन करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मॉक टेस्ट दीजिए और टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, फोकस हमको क्वालिटी पे करना चाहिए। तो हमें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने हो सके, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको कर लेना चाहिए। थर्डली, डेली प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, कि ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ही पढ़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, जितने ज्यादा हो सके आर डी शर्मा की एक्सरसाइज लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो डेली शेड्यूल बनाइए, वीकली शेड्यूल बनाइए, जैसे सर आप बताते थे YouTube वीडियो के थ्रू, वीकली शेड्यूल इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने भी वीकली शेड्यूल बनाया था कि हाँ, इस वीक हमको ट्रिग्नोमेट्री या इस वीक बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट करनी है। ऐसा कोई डेली का शेड्यूल नहीं था कि 15 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, वीकली शेड्यूल था कि इस वीक हमको ये कंप्लीट कर लेना है, चाहे जैसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि वीकली टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। जितना पढ़ना, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, उतना टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। और टेस्ट के बाद रुक नहीं जाना है, वहां पे एनालिसिस करना भी इम्पोर्टेंट है। वीकली हर टॉपिक की एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमको पता चलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और किस सब टॉपिक में हमको हमारा वीक है, क्या किस पॉइंट पे हम वीक चल रहे हैं। तो
ये एनालिसिस करनी जरूरी है, और स्पेशली जो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला उस समय कोई नहीं होता, उनको उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है तो उनको खुद ही गाइड करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि उनसे अच्छा और कोई नहीं जानता उसको कि मेरे वीक पॉइंट क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, तो अकॉर्डिंगली हमको वीकली एनालाइज करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को. सिक्स्थ पॉइंट है टॉक टू योर सेल्फ फ्रीक्वेंटली. ये स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ. लास्ट के 2-3 मंथ पे तो मैंने किया है कि पढ़ाई करने के बाद सोने से पहले कुछ सेशंस अपने आप से मैं लेता था कि मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए अपने परफॉर्मेंस को ग्रो करने के लिए. तो मैंने अपने आप से खुद से बात करता था कि हाँ कि मैंने इस पॉइंट पे वीक चल रहा हूँ, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ठीक से नहीं आती, तो मुझे और क्या करना चाहिए. तो मैं सोचा चलो ठीक है, इनिशियली पढ़ लेता हूँ, इतना पूछा नहीं जाता निमसेट में तो कर लेता हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पॉजिटिविटी भी आती है, स्टे मोटिवेटेड रहते हैं. एंड सेवेंथ पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ, कि फॉलो योर गाइड कम्प्लीटली. कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप उसको कम्प्लीटली फॉलो करें, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर सबसे फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा इधर फॉलो कर रहे हैं. ये दिक्कत उन लोग के साथ आती है जो जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तो फ्री है कुछ किसी को भी फॉलो करें. बट मैं कहूंगा नहीं, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप कम्प्लीटली फॉलो कीजिए, तो ही आपके परफॉर्मेंस बढ़ेगी. यस सर. देखिए प्रखर ने बहुत अच्छी बातें बोली. मैं प्रखर आपके जैसे ये इसे कहते हैं कि हर जब कोई बच्चा सक्सेसफुल होता है तो हम हमेशा उसको सुनते हैं. प्रखर ने वन बाय वन बात बोली, मैं हमेशा बोलता हूं, और प्रखर ने बिल्कुल वही कि हम जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना है करंट, पर प्रीवियस टॉपिक का रेगुलर रिविजन करना है, टेस्टिंग पे वर्क करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रखर ने बोली कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना. इसके अलावा जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको एक को ही फॉलो करें, उससे कंफ्यूजन खत्म होता है. जो बुक या जो गाइड आपने डिसाइड की उसी को खत्म करें, उससे भी बहुत फायदा होता है. तो प्रखर आपने जो ये 7-8 पॉइंट जो आपने बोले ये एक्चुअल में आपने फॉलो भी किया और देखिए उसका रिजल्ट भी मिला. तो एक प्रॉपर पैटर्न और एक प्रॉपर तरीके से पढ़ने के हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. तो प्रखर ने कितनी अच्छी बात बताई. कई बार बच्चे बोलते हैं जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे जो सेशन होते हैं वो चाहे बच्चा सेल्फ स्टडी करे ज्वाइन करे, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कोई एक चीज फिक्स करो. जब तक अपने टारगेट को फिक्स नहीं करोगे, अपने मोटिवेट अपने रेगुलर गोल को सेट नहीं करोगे, काम नहीं चलेगा. जैसे इसने एक बात और बोली कि रात को सोने से पहले असेसमेंट करना, किस टॉपिक में वीक है, किस पर कमांड आ रहा है, किसका रिविजन करना, ये छोटी छोटी बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए. तो और इस बात का देखिए प्रखर की लाइफ बड़ी सिंपल स्मूथली चलती आ रही है, और कोई लाइफ में इसने कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना करी, ना इसने पढ़ाई में कॉम्प्लिकेशन रखे. बिल्कुल सिंपल तरीका, जहां वीक है उसकी पढ़ाई करी, पेपर का एनालिसिस किया, रेगुलर रूटीन सेट किया, और देखिए उसका उसके सामने रिजल्ट है. तो मैं आप सबको यही एक बात बोलना चाहूंगा कि कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्मार्ट स्टडी से आप जीवन में वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो. तो प्रखर आपकी स्टोरी जो है बहुत सिंपल है, पर एक प्रेरणा देती है कि नहीं मैं अपनी लाइफ को ऐसे फॉलो कर रहा था और ये मेरा रिजल्ट है. ये काफी इंपॉर्टेंट बात है सर. इन सब चीजों के साथ मॉक टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल सही बात है. मैं समझता हूँ कि 70% अगर सिलेबस कवर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पोर्शन है, तो 30% टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है. हमको अपने हैबिट में वो 2 आवर्स लेने हैं, वो 2 आवर्स अपने हैबिट में डालने हैं. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उनको पता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं कैसे चलानी है, तो सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, वो हो जाता है. हम लोग को टर्न लेना है तो वो भी हो जाता है. ट्रैफिक पुलिस वाला सामने खड़ा है, उससे कैसे बचना है तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो ये 2 मंथ में, लास्ट के 2 मंथ में मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल सही बात है प्रखर. एक्चुअल में हम कितना भी अच्छा पढ़ ले, मैं बोल रहा हूँ कई बार बच्चा बहुत पढ़ लेता, सब आता है, पर टेस्ट प्रॉपर नहीं देने से या टेस्ट का एनालिसिस नहीं करने से कई बार वो रह जाता है. टेस्ट पेपर देना, टाइम में देना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना, ये सब चीजें कॉम्बिनेशन होती है. और टेस्ट भी कब देना, तो वो बिल्कुल सही वर्ड बोला कि लास्ट के 2 महीने. ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट किया और टेस्ट देना चालू कर दिया. पहले एक राउंड सिलेबस खत्म करना, फिर टेस्ट देना, और फिर टेस्ट देते रहना और उनका एनालिसिस करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए सबकी लाइफ अलग अलग है, पर आपने जिस सिंपल फॉर्मूले को फॉलो किया वो बहुत ही क्लियर कट फॉर्मूला था कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे इसका टेस्ट देना है, साथ में पुराने टॉपिक का भी रिविजन करना है. ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बिल्कुल सच बात है. तो प्रखर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आप और क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? मैं चाहूंगा कि आप अपना एक मैसेज दें, फिर ये सेशन हम एंड करेंगे.
सर लास्ट में तो यही मैसेज देंगे कि ये तो जर्नी सभी बताते हैं और सबको फॉलो करना चाहिए और सब फॉलो करते भी है मेरे हिसाब से, बट फर्स्ट जो पॉइंट मैंने बोला कि बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं लास्ट समय में हम लोग को डर आने लगता है, प्रेशर आने लगता है, डीमोटिवेशन बच्चे होने लगते हैं, तो वो सही बात नहीं है। अगर मैंने साल भर पढ़ाई करी है तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक और मैं सजेशन दूंगा अपने जूनियर्स को, अगर फॉलो करें तो कर लें, कि हर एक बच्चे को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उससे पॉजिटिविटी आती है, उससे अपने अंदर की कैसे हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने दे रखा है उसके अंदर ऑटोमेटिक, पहले से ही दे रखा है। तो मैं सजेशन दूंगा कि पहले से पढ़े तो पॉजिटिविटी अंदर से ऑटोमेटिक आएगी। बहुत अच्छी बात बोली। देखिए गीता सार एक ही है, मैं हर बच्चे को एक बात बोलता हूँ कि गीता के मैं 10 पॉइंट कई जगह कैलेंडर टंगे होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज थोड़ा हम उसमें उल्टे चले जाते हैं, हम पहले फल चाहते हैं। आखिरी समय में जो बात बोली ना आपने, पॉजिटिव रहो। ये कई बच्चे मेरा होगा कि नहीं इस बात को सोच के परेशान होते हैं, मैंने इतनी मेहनत की क्या होगा। एक्चुअल में यही चीज कई बार पीछे कर देती है। हमें अपने कर्म करना चाहिए और उसके बाद रिजल्ट क्या होगा उसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। तो मुझे ये पता है कि कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। और ये बहुत अच्छी बात बोली। और ये चीज जो आपने बोली कि गीता पढ़ो, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए सब बच्चे की अपनी अपनी स्टोरी, पर जो आपने बोली वो चीज आपने फॉलो भी की, वो हमें जीवन में उतारना है। केवल गीता पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में भी उतारना है। तो प्रखर ने काफी अच्छी बातें बोली। तो प्रखर आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपकी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो अब NIT इलाहाबाद में जाके भी अच्छे से पढ़ाई करें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। और बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि आपने पहली बार भी फर्स्ट पॉइंट वही बोला बी पॉजिटिव और आखिरी भी यही। यही सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर जीवन में होना चाहिए कि हम बस अपने कर्म करें, रिजल्ट क्या होगा इसकी परवाह ना करें। यस सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर।